सब्सक्राइब करें सोनिस किचन चैनल को और इस बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिस किचन। फ्रेंड्स, आज हम एक हेल्दी बर्फी बनाएंगे। बर्फी और हेल्दी, ऐसे सोच रहे हैं ना? हाँ, रियली बर्फी बनाएंगे और हेल्दी भी होगी, क्योंकि हम ये बर्फी को एप्पल के साथ बनाएंगे। एप्पल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। बच्चों को तो ये बहुत पसंद भी आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एप्पल बर्फी की रेसिपी। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, एप्पल बर्फी बनाने के लिए मैंने हाफ कोकोनट को इस तरह से काट कर ले लिया है। कोकोनट का पीछे का जो ब्राउन पार्ट होता है उसे मैंने काट कर निकाल लिया है। ये सफ़ेद पार्ट ही लेनी है, इसे धोकर रखा है। इसका पाउडर बनाएंगे। दो एप्पल का मैंने ग्रेट करके ले लिया है। मैं यहाँ पे नॉर्मल वाला रेड वाला एप्पल ली हूँ, आप चाहे तो एक रेड और एक ग्रीन एप्पल ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे क्रीम लिया है, आप चाहे तो घर की मलाई ले सकते हैं। 1 टीस्पून घी ले रही हूँ और 1/2 कप मैं यहाँ पे पाउडर शुगर डाल रही हूँ। आप आए तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कोकोनट को पाउडर बना लिया है, ग्राइंड कर लिया है इस तरह से, और ये 1 कप कोकोनट बनकर तैयार हुआ है। मैंने इसीलिए 1/2 कप शुगर पाउडर लिया है। पिस्ता ले लेंगे थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए, थोड़ी सी कैशू नट्स गार्निशिंग के लिए, और मैं यहाँ पे बादाम पाउडर डाल रही हूँ 1/4 कप। आप चाहे तो काजू का पाउडर बनाकर डाल सकते हैं या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक पैन ले रही हूँ, इस पैन में हम ये कोकोनट पाउडर को डाल देंगे। देखिए, एक एप्पल का छिलका आ गया था। और इसे हम इस तरह से भूनेंगे, ड्राई भूनेंगे। इसमें मैं घी या कुछ भी ऐड नहीं की हूँ। फ्लेम को इस समय हम मीडियम रखेंगे और इसका थोड़ा सा पानी ख़त्म होने तक हम भून लेंगे। ये ड्राई हो जाएगा। आप डायरेक्ट आप डेसिकेटेड कोकोनट ले सकते हैं। मैं यहाँ पे फ्रेश कोकोनट यूज़ कर रही हूँ। डेसिकेटेड कोकोनट लेने से आपको ये प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप डाल सकते हैं। यहाँ पे ये भून कर तैयार है, इसे मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। और हम 1 टीस्पून घी डाल देंगे पैन में, और इसमें हम ये एप्पल को, ग्रेटेड एप्पल को भून लेंगे। मैंने एप्पल का कलर चेंज रहा हो इसलिए थोड़ी सी मैं लेमन जूस डालकर रखी थी, थोड़ी सी यानी कि कुछ 1/4 टीस्पून। हम इसे इस तरह से भून लेंगे, ये भी थोड़ी सी थिक हो जाए, इसका पानी ख़त्म हो जाएगा और कुक हो जाए। देखिए इस तरह से ये कुक भी हो गई, इसका पानी भी ख़त्म हो गया। और इसमें हम हमारा जो कोकोनट को भून के रखे हुए थे ये डाल देंगे। इसी समय हम इसमें शुगर भी डाल देंगे। आप शुगर की क्वांटिटी थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेना चाहते तो ले सकते हैं, या फिर आप इसके जगह शुगर के जगह शुगर फ्री भी डाल सकते हैं, आप हेल्दी बनाना चाहते हैं तो इसे अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं। जैसे जैसे शुगर मेल्ट होती जाएगी, थोड़ी सी पतली होती जाएगी, हम इस तरह से मिलाते रहेंगे। इस समय मैंने फ्लेम को स्लो टू मीडियम रखा हुआ है। देखिए मैंने इसे मिला लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे क्रीम। आप अगर घर की मलाई यूज़ करें तो थोड़ी सी फेंट कर इसे डालें। अब हम बादाम का पाउडर डाल देंगे इसमें, और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाकर हम 2 से 3 मिनट इसे कुक करेंगे। ये बर्फी बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी भी होती है। देखिए इस तरह से हम इसे कुक करेंगे। फ्रेंड्स, जब ये फोल्ड करे तो फोल्ड होने लगे या फिर पैन में चिपकने ना लगे, उस समय ये हमारा तैयार हुआ है। मैं यहाँ पे प्लास्टिक का एक बॉक्स यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी चौकन वाली ट्रे ले सकते हैं। यहाँ पे मैं एक प्लास्टिक डालकर रखी हूँ, इसको थोड़ा सा ग्रेस भी कर ली हूँ, और इसके ऊपर इसे हम ये मिक्सरन को अच्छे से सेट कर लेंगे स्पैचुला से। देखिए इस तरह से, और टॉपिंग करेंगे कैशू नट्स, फैला दें इसे। पिस्ता भी इसके ऊपर टॉप कर लेते हैं, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होगा। आप इसके ऊपर बादाम कतरन बादाम भी डाल सकते हैं, सिर्फ पिस्ता भी डाल सकते हैं। आप अगर डाइट कॉन्शियस में हो तो पिस्ता यूज़ करें, कैशू नट्स ना डालें, क्योंकि डाइट के लिए पिस्ता बहुत ही अच्छा होता है। इसे हम ठंडा होने देते हैं। पूरी तरह ठंडा होने के बाद इसे हम काट कर तैयार करेंगे। देखिए इसे ठंडा होने देंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी बर्फी ठंडी हो गई है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही नरम और जूसी होती है तो आराम से कट जाएगी।
देखिए बहुत ही आराम से कट रही है। ऑपोजिट तरफ भी हम इसी तरह से काट लेंगे। मैं यहाँ पे स्क्वायर पीसेस में इसे काट रही हूँ। देखिए वाह, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी बर्फी हमारे बनकर के तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, आप इस दिवाली पे ये बर्फी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने फैमिली को खिलाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।